तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बंदा जा कहाँ रहा है, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी लेके निकल गया। तो मैं सोचा कि आपको यहाँ आके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और आज जा रहे हैं एक छोटा सा डे ट्रिप करने के लिए। नॉट ए डे ट्रिप, यहाँ पे रात रुकने वाले हैं, एक रात रुकेंगे। फिर एक फार्म हाउस है जहाँ हम जा रहे हैं, तो कोलार फार्म हाउस पहुँच के आपको दिखाता हूँ फार्म हाउस कैसा है। तो वहाँ पे आप एक रात रुक सकते हैं, अच्छी सी जगह है, बच्चों के लिए खेलने की जगह है ना। तो वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ पे रुक गए हैं हाईवे के साइड में, नंदी ग्रैंड, जो कि होस्कोटे कोलार हाईवे पे है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। चलिए फिर आपको आगे जाके मिलते हैं। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है और हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, फार्म हाउस की तरफ। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, आगे जाते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। चलिए
अब हम आ चुके हैं मौरिक फार्म के एंट्रेंस में, जो आपने अभी पीछे देखा होगा उसका लेफ्ट साइड से एंट्री है, और ये जो सड़क है कच्ची सी सड़क है, ये आपको लेके जाएगी फार्म हाउस के अंदर। तो चलिए आगे जाते हैं। रोड्स पहले अच्छे नहीं थे, मैं यहाँ पे पहले भी दो तीन बार आ चुका हूँ, प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा, लेकिन अभी रोड ठीक है। थोड़ा सा मिट्टी डाल के मैंने लेवलिंग किया है। तो ये आपका एंट्रेंस है, सामने आपको गेट दिखेगा जहाँ पे आपको आई थिंक थोड़ा सा एंट्री करके फिर अंदर जाना होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपने मौरिट फार्म रिजॉर्ट में। तो फार्म का नाम है मौरिट फार्म, और ये है इसमें, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए आपको प्ले एरिया मिलेगा, वहाँ दूर रेस्टोरेंट मिलेगा, और यहाँ पे लाइन से यू कैन सी दिस रूम्स। अभी कुछ देर में आपको मैं रूम टूर भी देता हूँ, बट गुड थिंग इज कि वीकडे है, और फिर यहाँ पे बाहर के लोग बहुत ज़्यादा है नहीं, सिर्फ हम ही है यहाँ पे। सो आके रूम में एंट्री कर चुके हैं, सामान वगैरह रख दिया है। कुछ देर में लंच के लिए जाएंगे, तो दिखाते हैं आगे वहाँ पे रेस्टोरेंट कैसा दिखता है, खाने में क्या क्या मिलता है एंड ऑल। बट ओवरऑल शांत सा वातावरण है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। आगे वहाँ जाके स्विमिंग पूल है जो मैं आपको दिखाऊंगा, एंड देन वहाँ पे आपको आना है, रिलैक्स करना है, दोस्तों के साथ आना है, फैमिली के साथ आना है, मस्ती कीजिए और जाने का है। शोर शराबा नहीं मिलेगा, नेचर के बीचों बीच का ये मस्त सा फार्म हाउस। चलिए आपको देते हैं आगे रूम टूर। तो ये है यहाँ का रूम, काफी स्पेशियस रूम है, एक डबल बेड है यहाँ पे, जगह है, एंड देन एक टेबल लगा हुआ है, टीवी है, और कुछ खास है नहीं, देर इज नो साइड टेबल, नथिंग। एसी है, लेकिन एसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे छोटा सा एक चेंजिंग रूम टाइप्स है, जहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, एक मिरर है, और ये इसका बाथरूम ओके टाइप्स है। थोड़ा सा पुराना दिख रहा है, बट इट्स ओके, कमोड डाला हुआ है, नॉट दैट वेल मेंटेन्ड, बट ठीक है, एक रात के लिए इट्स एनफ। फिर आपको ये बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे आपको ये डोर मिलेगा, जहाँ पे आप अगर डोर का दरवाजा खोलोगे तो आपको आई डोंट नो, ये लॉक है शायद। सो यहाँ कुछ करने है नहीं, ये है रूम, छोटा सा रूम टूर, और उसके बाद आगे चलते हैं और आपको आगे का नजारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको देसी चिकन भी मिल जाएंगे, खाना नहीं है, बस देखना है। यहाँ पे पिछले बार जब मैं आया था तो यहाँ पे कैंप साइट लगा हुआ था, तो सो दे आर प्रोबेबली स्टॉप दिस कैंप साइट। तो ये यहाँ पे प्ले एरिया होता है, तो फिर अगर बच्चे साथ में हो तो बहुत बढ़िया रहता है, आके एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम यहाँ बंदर नहीं थे, इस बार यहाँ बंदर भी है। चलिए आपको दिखाते हैं बंदर। वाओ वाओ बंदर, वाओ, वेरी नाइस। अच्छा 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 तो आपको यहाँ पे कुछ रैबिट्स भी मिल जाएंगे, रैबिट्स के साथ साथ फ्री में कुछ चूहे भी।
तो शाम के 6 बज रहे हैं, लंच वंच खा के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, लफड़ा हो गया था थोड़ा सा खाना वाना लेके, बहुत झगड़ा वगैरह किया, उसके बाद कुछ खाना वाना दिया तो ठीक है, तो खाना वगैरह सब मिल गया है। और अगेन अभी चाय वगैरह पी रहे हैं, यहाँ स्विमिंग पूल भी है विच इज़ नॉट मेंटेन बिकॉज अभी कोविड के चक्कर में स्विमिंग पूल बंद है। प्रॉपर्टी अच्छा है, अगर आप पीछे देखोगे तो प्रॉपर्टी इज़ नाइस टाइम बिताने के लिए, बट अगेन इसकी शायद ओनरशिप चेंज हुई है तो शायद नए ओनर्स जो है उसको पता नहीं है कैसे एक रिजॉर्ट या फार्म हाउस या यू कैन से ए होम स्टे कैसे चलाते हैं, वी नीड टू लर्न दैट। बाकी डिटेल फीडबैक मैं आपको बाद में दूंगा इसके बारे में, क्या कचरा हुआ क्या लफड़ा हुआ एंड ऑल। चलिए आगे जाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं टाइम पास के लिए क्या है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और ये बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, मस्त हल्की सी धूप आई हुई है एंड लॉट ऑफ बर्ड चर्पिंग, जस्ट सुनिए। बस चुपचाप बैठना है और बर्ड चर्पिंग का मज़ा लेना है। बंदर वगैरह यहाँ आपको मिल जाएंगे तो थोड़ा सा आपको अपना खाना वाना रूम का दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो आते हैं और खाते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। सो लॉकडाउन के बाद से व्हाट यू हैव नोटिस्ड इज लोग बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए प्रॉपर्टी इज़ नॉट दैट वेल मेंटेन्ड बट ओके। शायद उनके पास स्टाफ वगैरह भी बहुत कम है अभी, जो वापस चले गए थे अपने घर वगैरह। लास्ट टाइम यूपी बिहार बंगाल के बहुत सारे स्टाफ थे यहाँ पे, जो नहीं है, जो कि वापस चले गए हैं और लॉकडाउन के बाद से वापस आए नहीं हैं। सो उनको यहाँ के लोकल विलेज के स्टाफ से मैनेज करना पड़ रहा है। सो विच इज़ ओके, ये जस्ट इन्होंने नवंबर एंड में ये फार्म हाउस फिर से रीओपन किया आफ्टर मार्च का लॉकडाउन, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। यू कैन सी मंकीज, हार्मलेस मंकीज है, कुछ करते नहीं है, बट अगर उनको कुछ खाना वगैरह इधर उधर दिख जाता है तो आ जाते हैं, दैट्स इट। बट आप पे अटैक करना या परेशान करना ये सब नहीं करते हैं, सो इट्स ओके। तो वही बोल रहा था कि टू मैनेज सच ए बिग प्रॉपर्टी विथ वेरी लेस स्टाफ इज अ चैलेंज, विच आई कैन अंडरस्टैंड दे आर गोइंग थ्रू, बट जैसे अभी ये कोरोना का वायरस का चक्कर ख़त्म होने वाला है, सो वायरस वगैरह लोग मिल जाएंगे, एंटी वायरस और यू कैन से वैक्सीन राइट, जब लोगों को मिल जाएंगे सो दिस पीपल विल प्रोबेबली कम बैक और ये प्लेस अगेन में स्टार्ट रनिंग टू द फुल जैसे पहले किया करता था। सो यू हैव दिस एंटायर प्लेस फॉर पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग रहती है, आप देख सकते हैं कोई भी गाड़ी नहीं है, मैंने अपनी गाड़ी रूम्स के बगल में ही कहीं लगा दिया है। बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह है अगर आप खेलना चाहते हैं तो, बैडमिंटन कोर्ट था जो कि उन्होंने निकाल दिया है, दो स्टूप पोल्स बास्केटबॉल कोर्ट के जस्ट पीछे वो बैडमिंटन था एक्चुअली, बट दे आर नॉट इवन केप द नेट। यहाँ एक प्लेस है जहाँ पे आप रात को बैठ सकते हो, चिल आउट कर सकते हो, चेयर्स वगैरह ही लगा देते हैं एंड देन उसके पीछे यू हैव द चिल्ड्रंस प्ले एरिया। यहाँ आपको इनका ये जो ऑफिस है एंड द रेस्टोरेंट वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। सो ये उनका एक छोटा सा ऑफिस है जहाँ बैठ के ये अपना ऑफिशियल काम वगैरह करते हैं, सो दिस इज़ द प्लेस
एंड देन वी हैव दिस रेस्टोरेंट हियर जहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, यहाँ पे बुफे सिस्टम में खाना लगता है। एंड देन यू हैव द किचन बिहाइंड इट, सो एक इनका किचन है। आई कैन टेक यू इनसाइड, सो किचन का सेटअप अंदर है, हैंड वॉश का जगह यहाँ पे है, और पीछे ये छोटा सा पॉन्ड टाइप का दिख रहा है, ये पॉन्ड टाइप्स है। पीछे आपको वहाँ पे सिर्फ जंगल मिलेंगे, दूर जंगल। और द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे एक बड़ा सा एक्वेरियम है जिसपे ये ऑक्सीजन भी चल रहा है, बट इसमें एक भी मछली नहीं है, तो पता नहीं ऑक्सीजन क्यों चल रहा है। आई सी हाउ टू फिगर दैट आउट। सो ओवरऑल प्लेस इज नाइस, शायद आप एक दो महीने और रुक जाएंगे और फिर यहाँ आएंगे तो शायद आपको सर्विस इससे बेटर मिलेगी जो हमको सर्विस मिली है, बिकॉज शायद लोग आना चालू कर देंगे तो ये स्टाफ भी अपने इंक्रीज करेंगे और थिंग्स विल बी मेंटेन्ड इन अ बेटर वे प्रॉब्ली। सो ओवरऑल फीडबैक इज ओके, कुछ कुछ परेशानियाँ हुई हमें यहाँ पे कल लंच को लेके, थोड़ा बवाल हो गया था इनके साथ, थोड़ा कि उसके बारे में तो बात नहीं करने वाला हूँ, उनको आइडिया ही नहीं है कैसे कैसे एक रिजॉर्ट चलाते हैं, बिकॉज सभी नए लोग हैं वहाँ पे, तो उसको मैं उतना स्ट्रेस नहीं करूँगा। वन गुड थिंग दे हेल्प अस इज कल तुम्हारा रूम चाबी अंदर रह गया था और रूम लॉक हो गया था, तो उन्होंने हमें हेल्प किया। वी हैड टू क्लोज नॉट क्लोज एक्चुअली वी हैड टू ब्रेक वन ऑफ द रूम्स लॉक, और फिर हमने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया बिकॉज ऑल दीज रूम्स आर एम्प्टी ओनली, हम जस्ट टू दो रूम में है, तो उन्होंने हमको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। सो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर देम, आई नॉट पे फॉर दैट लॉक, बट स्टिल गलती हमारी थी तो उन्होंने हेल्प किया, दैट्स वन गुड थिंग। आपको ये चिल्ड्रन प्ले एरिया वगैरह मिल जाएगा, बच्चे आते हैं तो खेल सकते हैं और आप वहाँ बैठ के उनके ऊपर निगरानी रख सकते हो, तो इट्स क्वाइट सेफ। यहाँ पे ऐसा कुछ जगह है नहीं जहाँ पे आप योर किड कैन गेट हर्ट और समथिंग, बाकी पूरा सेफ है। एंड मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे ही पार्किंग की है। तो दैट्स ओवरऑल फीडबैक अबाउट दिस प्लेस, खाना वगैरह ना, रात का खाना वॉज क्वाइट गुड क्योंकि दोपहर को कुछ लफड़ा हो गया था, तो दे मेड श्योर दैट दे सर्व डिनर प्रॉपरली, तो सर का खाना वॉज गुड। बाकी अभी यहाँ पे यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे, रेडी वेडी होके निकल जाएंगे बैंगलोर की तरफ। तो चलिए जैसे हम यहाँ से निकलते हैं आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। गुड बाय।